दोस्तों जब हम लोग स्कूल में थे ना, तब आपको भी पता है मैथ्स में दो पार्ट हुआ करते थे, एक था अलजेब्रा और दूसरा था ज्योमेट्री। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को अलजेब्रा काफी अच्छा जाता होगा, लेकिन जब ज्योमेट्री की बात आती है तो ठीक ठाक सा जाता होगा। अब जो यूनिट, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम जो है वो है सॉलिड ज्योमेट्री। देखते हैं अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसको हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों कोई भी ज्योमेट्री हो, कभी भी आप दिए गए सवाल के इमीडिएटली बाद जवाब पे जब जाओगे ना बिना बेसिक्स किए, तो आपको प्रॉब्लम होनी होनी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि भाई सिलेबस में जो दिया है उसके हिसाब से हमें क्या क्या बेसिक्स लगते हैं ये पहले पता होना चाहिए। अब सर एग्जाम में कौन से सम्स आएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, स्फीयर पे सम आने वाला है, सिलेंडर पे सम आने वाला है, कोन पे सम आने वाला है। तो अगर स्फीयर, कोन, सिलेंडर इन तीन बंदों के ऊपर सम आने वाला है, तो मैंने जो पहला यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ वो बेसिक्स का क्यों कर रहा हूँ भाई? इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में, इन तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स में हम लोगों को बेसिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो ये वाला वीडियो एकदम ढंग से देखो, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। मुझे पता है थोड़ा बहुत आपको आता है, लेकिन फिर भी सर ये बेसिक का मतलब क्या, हम लोगों को क्या क्या देखना है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, अब तक हम लोग जो खेल रहे थे ना, मैं बताता हूं आपको एक मजेदार किस्सा, आपको मजा आएगा। ये देखो, अब तक हम लोग जो खेल रहे थे ना भाई, वो किसके ऊपर खेल रहे थे? हमेशा देयर यूज्ड टू बी, जस्ट अ सेकंड ना, हमेशा देर यूज टू बी इस तरीके से कुछ हम लोगों को एक्सिस दिखाई दे रहा था, एंड ऑलवेज दिस यूज टू बी वॉट, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोला करते थे और इसको क्या बोला करते थे? वाई एक्सिस। तो ये जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाई दे रही है, दैट इज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री सीख रहे, तो अगर हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर बात करें, तो लेट मी टेल यू समथिंग, आपको हमेशा दो एक्सिस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, इसके साथ साथ तीसरा भी डायमेंशन दिखाई देगा। सो दिस इज नोन टू बी एज थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके बारे में आपको एकदम ढंग से पता होना चाहिए। एक तो मैथ्स वन तो हो गया है, लेकिन अब मैथ्स टू शुरू होने वाला है। अरे यार, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ अब डिफरेंशियल इक्वेशन, कर्व ट्रेसिंग, सॉलिड ज्योमेट्री से हम लोगों का पाला पड़ने वाला। अब ये सब होगा कैसे? मैं हूं ना, सुपर अपडेटेड नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, एग्जाम्स के पहले लाइव सेशंस एंड वन टू वन टीचर इंटरेक्शन के साथ ऑनलाइन कोर्सेज तो रेडी है ही, लेकिन साथ ही साथ ऑफलाइन बैचेस भी जल्दी शुरू होने जा रही है इन सेंटर्स के ऊपर। अब बैचेस फुल होने से पहले आप अपना एडमिशन जरूर करवाइएगा। तो अब देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करो एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 150,000 स्टूडेंट्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। एक तो पहली चीज, सर ऐसे कैसे ड्रॉ किया सर आपने? तो मैं आपको ड्रॉ करने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि मेरे भाई हमेशा याद रखना, अब जैसे कि यहां पे सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस था, यहां पे आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, एक्स रहेगा, वाई रहेगा और जेड रहेगा। चलो बताते सर, फिर तो सही है ना, ये एक्स है ये वाई? नहीं भाई, पोजिशन बहुत ढंग से याद रखना थ्रू आउट द कोर्स। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड पोजिशन है, इसमें चेंजेस भी अलाउड है, बट हम लोग थ्रू आउट द कोर्स जो है एक फिक्स पोजिशन के हिसाब से जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स यू हैव गॉट दिस नाउ कि ये आपका ओरिजिन है, राइट? अब देखना वो किस तरीके से, ये देखो, आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा होगा। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टाइलस, आई कैन से दैट अगर ये ओरिजिन है, तो जो आपके पास आ रहा है ना एक्सिस, वो मैं अभी देख क्लियरली 2D की वजह से डायरेक्टली नहीं दिखा सकता, तो इसको हम लोगों ने क्रॉस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना, जो आपके पास आ रहा है दैट इज नोन टू बी एज कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है। जो राइट साइड में जा रहा है वो आपके लिए कौन सा एक्सिस होगा मेरे दोस्त? वाई एक्सिस। और जो हाइट दिखाएगा ना, वो हमेशा आपका कौन होगा? जेड एक्सिस। तो जल्दी से बताइए, ये अगर एक्स है तो ये मैं बोल रहा हूँ वाई, और ये जो आप देख रहे हो ना क्लियरली इज नथिंग बट वॉट आपका जेड। तो इस तरीके से आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनी है। आपको पता ही पड़ा होगा ये स्टाइलस आपको पूरा नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा दिखे इसलिए फिर मैंने ड्रॉइंग में उसको क्या दिखाया, कुछ इस तरीके से दिखाया। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। अगर ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना मेरे भाई, तो हम लोगों को अब यहाँ पे किन किन लोगों के ऊपर काम करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेसिक्स पता होना चाहिए। तो शुरू करते भाई, कौन कौन लोग है? सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, चलिए देखते हैं। अब आई होप सो कि आपको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता चला। मैं यहां पे बस लिख देता हूं कि ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट 2D, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्लियर कट कौन है? आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब चलिए, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सारी चीजें बेसिक्स पता होने के बाद लेट्स मूव ऑन और देखते कि हम लोगों को कौन सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी डिस्कस किया था दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे कौन होता है आपका?
जेड एक्सिस। तो मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई भी एकाध पॉइंट दिखाना है, कोई भी एकाध पॉइंट दिखाना है कि लेट्स से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से एक्स वाई और कौन है जेड। अब इस पॉइंट को अब जब मैं कहीं पे भी स्पेस में दिखा रहा हूं तो ओरिजिन के साथ जब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना, आई नीड टू यूज मल्टीपल कलर्स फॉर दिस, ओरिजिन के साथ जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना तो ये देखो ओरिजिन के डायमेंशंस भी आपको पता है कम्स आउट टू बी हाउ मच 0 0 0। तो ये देखना भाई, लेट्स से दिस इज ओ एंड लेट्स से दिस, ये जो आपको ओ पी दिखाई दे रहा है अगर मैं इसको एरो दू डायरेक्शन दू तो ये मुझे दिखाई देता है क्लियरली कौन ओपी पर। अब आप मुझे बताइए, मुझे अगर किसी ने बोला कि भाई साहब ये जो ओपी आपको दिखाई दे रहा है इसका डिस्टेंस फाइंड करो, तो आई नीड टू गो फॉर व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बस आपको दिखा देता हूं कि इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बता देता हूं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं कोई इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूंगा, अंडर रूट की साइन देनी होगी। अब मुझे बताइए आपको करना क्या होगा, आप किसी भी डायरेक्शन के हिसाब से जाओ, आपको पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करना होगा, यानी कि यहां पे कौन है एक्स माइनस जीरो ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट, सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करो, देन वाई के कोऑर्डिनेट को लो, उसको सब्ट्रैक्ट करो स्क्वायर करो, एंड देन जेड के कोऑर्डिनेट को लो सब्ट्रैक्ट करो और क्या करो स्क्वायर करो। द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज सिंपली नथिंग बट डी का आपका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आएगा सिंपली जेड स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट। अब चलो एक काम करते हैं, सर थोड़ा सा कुछ अलग सिखाओगे, तो चलिए मैं आपको एग्जैक्टली अब सिखाता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से वर्कआउट होगा व्हेन इट कम्स टू विदाउट ओरिजिन वाला कोई भी अगर हम लोगों को एलिमेंट दिया होगा तो बताता हूँ ना, देख लो। आई हैव अ पॉइंट विच इज पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, राइट, एंड आई हैव अ पॉइंट विच इज नथिंग बट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट से भाई मेरे x2, y2 और कौन है Z2। आई होप सो आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए पता है, मेरे को सबसे पहले तो मेरे को पॉइंट P और Q को ज्वाइन करना है, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो मुझे PQ दिखाई दे रहा है ना, मुझे इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला। क्या आप बताओगे क्या दिखाई देगा अगर मुझे इसके लिए D फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू, सर ने बोला अंडर रूट की साइन आने दो, ले ली भाई। अब आपको पता है मैं किस तरीके से जाऊंगा, सारे x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर, सिमिलरली y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर होगा, और यहां पे z2 माइनस z1 और उसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर जी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला का, ये ले भाई ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ आई गो फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, लेकिन इन जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला को आप डी या फिर कैपिटल डी से लिखो तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये अल्टीपल्टी लिखा तो भी चलता है मेरे दोस्त, प्लस यहां पे आ जाएगा y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस यहां पे आ जाएगा z2 माइनस z1 और ब्रैकेट का स्क्वायर। आई होप सो कि ये जितनी सारी बातें हम लोग कर रहे हैं रिगार्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस रही है और आपको समझ में आ रहा है कि आगे जाके कहीं ना कहीं इसको हम लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया, अब उसके बाद हम लोगों को किसको देखना है, डायरेक्शन कोसाइंस को देखना है। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया सा मस्त सा एग्जांपल देता हूं, शायद आप खुश हो जाओगे जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस है वो क्लासेस की जो लोकेशन है वो है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ भारतीय विद्यापीठ पुणे सातारा रोड। अब मुझे बताइए अगर आप में से किसी को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो आप मुझे कॉल करोगे, कॉल करने के बाद पूछोगे सर आपका जो क्लासेस आपने बोला था वो कहाँ पे लोकेशन, तो मेरे को बताओ क्या मैं मेरी लोकेशन आपको बताने के लिए कुछ ना कुछ आपको लैंडमार्क दूंगा, ऑफ कोर्स दूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई तू कहां पे अभी, तो अगर बाय चांस उसने बोला कि सर मैं पुणे में स्वारगेट एरिया में हूं तो मैं उसको बताऊंगा भाई वहां से तू डायरेक्टली पुणे सातारा रोड को पकड़ और आजा भारतीय विद्यापीठ के मेन गेट के सामने, वहां पे तेरे को पिज्जा हट मिलेगा, पिज्जा हट के जस्ट बैक साइड पे हम लोगों के क्लासेस। अब मुझे बताओ इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद उस बंदे को पता है कैसे आना है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि इतने सारे घरों में इतने सारे बिल्डिंग्स में मेरा क्लास पहचानने के लिए मुझे उसको कुछ ना कुछ हिंट देनी पड़ी। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान से देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन कोसाइंस आपका कोई भी लाइन हो, ये सब कुछ और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, लाइन के लिए होता है। तो आपकी कोई भी लाइन हो मेरे दोस्त, दिखाता हूं रुक, हाँ आपका कोई भी लाइन हो जो कि आपके पॉइंट पी किसके लिए जा रहा है, लेट्स से एक्स वाई जेड के लिए जा रहा होगा, तो मुझे इस पर्टिकुलर लाइन का अगर कुछ
एग्जैक्ट इसका एड्रेस निकालना है कि पूरे स्पेस में भाई ये लेन कहां पे, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइन के लिए। अब बताओगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं बताता हूं आपको बकवास नहीं कर रहा हूं, मुझे बताइए कैन आई से दैट, अगर जैसे मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये कौन सा आपका जेड एक्सिस है, तो देख ले भाई ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से जो एंगल बनाया हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कौन है भाई अल्फा। अब इसने y एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाया करेक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे बीटा, और उसने z एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाया और ये हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा क्या, देख लेना एक ही आपका स्पेस में, ये समझ लो स्पेस में इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या हो गया x हो गया, सॉरी अल्फा हो गया, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या हो गया बीटा हो गया, और उसने z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या हो गया गामा हो गया। अब हमेशा याद रखना ये आपकी यूनिक पोजीशन है आपके लाइन की, तो इस लाइन के लिए स्पेसिफिक अगर आपको एड्रेस देना है तो आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन कोसाइंस की। तो हमेशा याद रखना कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर नोन टू बी एज व्हाट, उनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और मैं आपको बता दूं शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइंस को थ्रू आउट द कोर्स में डीसीज बोलूंगा, तो ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस हर एक लाइन के लिए वो स्पेसिफाइड रहते हैं। आया समझ में, बोलोगे यार कहां सर हम लोग ये कॉस और कॉस अल्फा बीटा वगैरह खेलते बैठेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ हमेशा याद रखना एल को डिनोट किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू कॉस अल्फा, एम को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग टू कॉस बीटा, और एन को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग टू कॉस ऑफ क्या होता है मेरे दोस्त गामा। आपको मजेदार किस्सा बता दूं, अगर हम लोगों को कॉस 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 में चीजें नहीं लिखनी है तो आप क्लियरली किसमें लिख सकते हो, एल एम एन के हिसाब से आप लिख सकते हो। पूछोगे रे सर अगर ऐसा है तो क्या हम आप हमें इसके कुछ फॉर्मेट या फिर फॉर्मूला बता सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत फेमस फॉर्मूला जो हम लोगों को थ्रू आउट द कोर्स लगने वाला है। तो ये देखो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आप बोलोगे तो दिस कम्स आउट टू बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू कितना आएगा मेरे भाई वन आएगा। तो हमेशा याद रखो आपका एल एम एन का स्क्वायर करोगे तो आपको आपके आंसर्स जो है आना शुरू हो जाएंगे। आप एल की जगह पे कॉस अल्फा लिख सकते हो, एम की जगह पे कॉस बीटा और एन की जगह पे कॉस गामा, आपका समय बचा रहा हूं बस आपको यहां पे दिखा रहा हूं राइट। अब अगर मुझे बताओ ये एक लाइन है ना, अब मैं सेम इसको अलग तरीके से डील करने की कोशिश करूं, जस्ट हैव लुक एट इट, कोशिश कर रहा हूं भाई मैं भी आपको बताने की चीजें। सपोज कि मेरे पास अभी दो लाइंस है, एक ये है और एक ये राइट। अब मेरे पास कितनी लाइंस है, दो लाइंस है, इस लाइन के डीसीज है एल वन एम वन और एन वन, इसके है L2, M2 और कौन है भाई N2, तो मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब लेट्स से इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे थीटा, अगर मैं कंसिडर करूं तो यहां पे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है भाई एंगल बिटवीन द लाइंस राइट। तो अगर मुझे एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड करना है तो मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखो भाई फॉर्मूला देख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको करना क्या है सारे एल वाले लोग जो है वो मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसका एल इसका एल, यानी कि एल वन एल टू मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आपको यहां पर मिल जाएगा एम वन एम टू और साथ में मिल जाएगा एन वन और क्या मिल जाएगा मेरे भाई एन टू, बात ही खत्म। सो आपको बस और बस इनको क्या करना है, अब आप बोलोगे अरे सर ये अगर ऐसा है तो इसमें कोई और स्पेशल केसेस कुछ बनती है क्या, तो मैं बताता हूँ क्या क्या स्पेशल केसेस जो है वो हम लोग डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इफ द लाइंस आर पैरेलल लाइंस, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर पैरेलल लाइंस, रिलेशनशिप पता होना चाहिए एल वन बाय एल टू इज इक्वल टू एम वन बाय एम टू इज इक्वल टू क्या होगा एन वन बाय एन टू होगा, बस आपको ये याद रखना है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर अगर मेरी लाइन्स परपेंडिकुलर रही नॉर्मल रही तो क्या होगा, लिख देते हैं भाई ये बहुत ध्यान से देखना, अगर आपकी लाइन्स परपेंडिकुलर है ना तो आपका दिख सिंपल चीज है परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा 90 होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो भाई लॉजिकली भी आप लिख सकते हो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर आना चाहिए एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू
प्लस क्या होगा एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो। सो अब आप पूछो सर सबसे ज्यादा क्या लगता है, एक तो एंगल बिटवीन लगता है और मोस्टली अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है लाइंस तो आपको ये एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ढंग से पता होना चाहिए। अब ये तो जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट हुई वो बताने की कोशिश करी, एक और बंदा है भाई जिसके लिए अपन बात कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अगर मुझे पूछा किसी ने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या बताओ भाई एक्स एक्सिस, अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस खुद अगर एक्स एक्सिस के साथ तो जीरो एंगल बनाएगा लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं एंगल वाइज अगर आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना कॉस जीरो की वैल्यू वन होने की वजह से हमेशा एक्स एक्सिस के लिए ये आएगा। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस के लिए जाऊँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था 010 आएगा, और अगर मैं जेड एक्सिस के लिए जाऊँ ना मेरे दोस्त तो मेरा आंसर आएगा 00 और क्या आएगा बनाएगा, ये सारे जो है ये मेरे होंगे डीसीज। आई होप सो आपको जितना इम्पॉर्टेंट लग रहा है इसमें सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताने की कोशिश करी। अब ये चीज़ें खत्म होने के बाद हम लोग इमिजिएटली शुरू करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, राइट डाउन कर लो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लो, फिर हम लोग डायरेक्शन रेशोज के लिए जाते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में तो पता है कि वो एड्रेस का काम करते हैं, तो किसी भी लाइन का एड्रेस हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस से मिल जाएगा। तो लोगों का ये सवाल है सर फिर डायरेक्शन रेशियोज क्यों चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कोई भी एबीसी नामक कोई भी नंबर्स जो कि आपके डायरेक्शन कोसाइंस को प्रोपोर्शनेट होंगे उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब हमेशा एंगल 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 पे काम करने से अच्छा है हम लोग नंबर्स पे काम करें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि भाई ये जो डायरेक्शन रेशो वाली कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों को आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो इन अ वे एड्रेस बताने का एक और तरीका भी हो सकता है, किसी और तरीके से आप एड्रेस बताओ, तो बस वही काम यहाँ पे करने की कोशिश करिए यूजिंग डायरेक्शन रेशोज। अब डायरेक्शन रेशोज किसके होते हैं, ऑफकोर्स लाइन के होते हैं, और वो कौन कौन रहते हैं, तो हमेशा याद रखो कि ए बी और सी ये जो तीन लोग हैं ना इनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। हाँ सो ए बी और सी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जो कि प्रोपोर्शनेट नंबर है किसको आपके उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को। अब आप पूछोगे सर इसका हम लोगों को रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको एक बढ़िया बढ़िया सी एकदम मस्त वाली हिंट बताता हूँ जब आप ये काम करोगे। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है ना इन जनरल टू पॉइंट वाला फॉर्म पता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, y माइनस वाई वन अपॉन क्या होता है यहाँ पे y2 टू माइनस वाई वन होता है, देन z माइनस जेड वन अपॉन क्या होता है z2 टू माइनस जेड वन। आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताओ, ये जो लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना ये आपके इधर डीसीज हो सकते हैं या फिर कौन हो सकते हैं आपके डायरेक्शन रेशोज। तो मैं आपको बता दूं ये लोग हमेशा आपके कौन होते हैं डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो इसका मतलब है बहुत सिंपल है, अगर मैं कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूं यहाँ पे अगर चार लिखा है तीन लिखा है और यहाँ पे दो लिखा है तो आई कैन सी दैट 4, 3 and 2 आर नथिंग बट वॉट डायरेक्शन रेशोज, वो डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं आपके लाइन के लिए, तो वो आपका एज इन फाइनल आंसर रहेगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। अब सर ये भी हम लोगों को समझ में आया, और कुछ बता सकते हो, अरे यार कोई भी लाइन ले ले, अगर किसी लाइन का मेरे को यहाँ पे नंबर दिया है 1, 2, 3 राइट, तो मैं बताऊँ एनी पॉइंट ऑन दिस लेट्स से अगर मैं एक्स वाई जेड कंसिडर करूँ तो किसी को बताओ मत एक्स माइनस वन वाई माइनस टू और जेड माइनस थ्री को क्या बोला जाता है, ऑफकोर्स इनको भी बोला जाता है डायरेक्शन रेशोज। तो बहुत बहुत बढ़िया सी कॉन्सेप्ट है ये, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़, अरे सर ये एक कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये दूसरा वाला एक और कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। कोई भी आपका प्लेन 3D वाला प्लेन लो, आगे आएगी प्लेन की कॉन्सेप्ट बट फिर भी आपको बता दूँ एनी प्लेन एक काम करते हैं इसको थोड़ा अलग वाला ले लेते हैं, ये आपका सपोज मैंने प्लेन ले लिया, इस प्लेन की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देता हूँ भाई ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू कितना लिखा 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन 3D में जो प्लेन रहता है ना आपका उसका। अब मैं आपको बता दूं इस इक्वेशन में आप किसी को मत बताओ, सीक्रेट रखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे ना a b c इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। लेकिन क्या आपको बताया डायरेक्शन रेशोज किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन को होते हैं। तो इस केस में इसको जो परपेंडिकुलर निकलता है, ये जो आपकी लाइन है जो कि इस प्लेन को परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल है, तो हमेशा याद रखना इस केस में ए बी सी आर द डीआरस ऑफ द लाइन नॉर्मल टू द प्लेन।
तो देखो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने सीखी। अब आप पूछोगे सर कि अगर मेरे पास दो लाइंस दी है और मुझे एंगल बिटवीन द डीआर पूछा हुआ, अगर डीआर की इंफॉर्मेशन दी है तो मैं आपको बता दू फॉर लाइंस विथ A1, B1, C1 एंड A2 एंड लेट्स से A2, B2 एंड C2 एज देयर DRs, एज देयर व्हाट DRs, एंगल बिटवीन देम इज, तो आपको यहां पे अगर उन लोगों के बीच का एंगल कोई फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, रेड कलर में लिख देता हूं भाई, कॉस थीटा के हिसाब से लिखोगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लगेगा, आगे लगेगा दोस्त, और यहां पे आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और साथ में एक और अंडर रूट का साइन आएगा और आपको यहां पे दिखाई देगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा आपका C2 का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है ये, है अगर आपको DRs की इंफॉर्मेशन दी है तो एंगल किस तरीके से निकालना है। तो छोटी मोटी चीज है भाई, आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए भाई। PDF इसकी मिल रही है ना, तो अच्छे से सारे लोगों की डिटेल्स आप लिख दो, ABC होते कौन है, वो प्रोपोर्शनेट नंबर्स होते हैं जो कि आपको आंसर देने की कोशिश करते। अब एक और चीज है सर, डायरेक्शन रेशियोज आपने लिख दिया, आप डायरेक्टली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पे आने से पहले क्या आप हमें रिलेशनशिप बता सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या है? तो बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर DR मेरे ऐसे लेट्स से 2, 2 एंड 1, अगर मेरे DRs कैसे भाई 2, 2 और कितना लिखा है मैंने 1 लिखा हुआ है, तो इसके जो DCs निकलते ना वो कैसे होते पता है? किसी को बताओ मत, सीक्रेट रखो। तो मैं बताता हूं, 2 अपॉन ये जो है ना सारे लोग, इनको अंडर रूट में इनके स्क्वायर्स ऐड कर लो, यानी कि क्या करोगे अंडर रूट में ले लो और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा कॉम, अगेन 2 लिखोगे यहां पे वापस से 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, अगेन कॉमा लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो देखो भाई इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके देखो भी तो आपको आपके डीसी का आंसर बहुत सही से मिल जाएगा। आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी कितना आता देखो 4, 4, 8, 9 रूट 9 मतलब कि 3 यानी कि 2 बाई 3 2 बाई 3 और यहाँ पे कौन होगा भाई मेरे 1 बाई 3। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दिस इज नथिंग बट क्या होते हैं उसके डीसीज, यानी कि डीआर देने के बाद अगर आपको डीसी निकालना है तो बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है। लिख देता हूँ भाई एक जगह पे, कहीं पे मेरे को जगह मिल रही है वहां पे, ये देखो L इज इक्वल टू लेट्स से A अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे अपन इसका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली M के लिए सिमिलरली क्या करेंगे N के लिए लिखने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को आंसर जो है पता हो जाएंगे। अब एक और डाउट सर, अगर मेरे को बस बस और बस इतना लिखा है, लेट्स से एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ये भी सीक्रेट है, 1, 2, 3 लिखा है, तो अगर मेरे को बोला है इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो ये क्या हो सकते हैं, DRs हो सकते हैं या DC हो सकते हैं, ये कैसे पहचानने का? तो मैं आपको बताता हूँ DR और DC को पहचानने का एक बेस्ट तरीका है, L² + M² + N² = NR1 अगर होगा तो ही वो DCs हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन भाई साहब के स्क्वायर करोगे तो 1 के ऑफकोर्स ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे केस में ये DCs नहीं हो सकते, दीज आर नथिंग बट DRs। हाँ एक बार के DRs मिल गए तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला उस तरीके से आप इसको DC में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे समझ आएंगे ना दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें हम लोगों को लगने वाली है, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। अगर आपको कोई DR दिया है तो DC कैसे निकालना ये आपको आना चाहिए, और दूसरी चीज़ कोई भी सम वो DR है या DC है उसको पहचानने का एक ही तरीका है, L² + M² + N² = 1 आया तो भाई जैसे कि अब देख इसका स्क्वायर कर ऐड कर आंसर कितना आएगा 1 आएगा 100%, यानी कि इनका स्क्वायर और एडिशन 1 आ रहा है तो ये कौन है DC, लेकिन इनका स्क्वायर और एडिशन करेगा तो 1 आएगा क्या? नहीं, तो वो कौन हो गए? DR। बस सिंपल रिलेशनशिप है, तो आपको भी दिक्कत नहीं मेरे को भी दिक्कत नहीं, आई होप सो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है। तो ये जो है जैसे L के लिए लिखा है, सिमिलरली आप M N सारे लोगों के लिए जो है वो फॉर्मेट लिख सकते हो। अब ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर हो चुकी है तो डायरेक्शन रेशियोज से आगे बढ़ते एंड लेट्स मूव ऑन फॉर प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत सही है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखना चाहो ना तो मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है। एक काम करते हैं, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें से एक ग्रीन कलर चाहिए मेरे को, हाँ ग्रीन कलर,
अब ये ग्रीन कलर का यहाँ पे एक्स वन ले लेते हैं, एक्स टू ले लेते हैं, एक्स थ्री ले लेते हैं, लेट्स हैव सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन ले लेते ना, एक्स वन वाई वन और जेड वन ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते एक्स टू वाई टू और क्या रहेगा मेरे दोस्त जेड टू। तो एक्स टू वाई टू जेड टू को भी हम लोगों ने लिख दिया। अब जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों को सामने लिया हुआ है, अब हम लोगों को प्रोपोर्शनल मतलब लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट कितना है थीटा। अब देखो ये मुझे ऑलरेडी पॉइंट है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ पी। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग किसी और पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे, लेट्स से आर है ना। अब देखो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आप ना इस पर्टिकुलर ग्रीन कलर को ना टॉप व्यू से देखो, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना तो आपको इस लाइन का प्रोजेक्शन जो है वो ऑफ कोर्स आपको यहां पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस वाले लाइन के ऊपर आपको इसका प्रोपोर्शन प्रोजेक्शन दिखाई देगा एंड ये जो हो जाएगा आपका नोटेशन हो जाएगा पी क्यू। यानी कि यहां पे कोई एक लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये आपका ग्रीन कलर प्रोजेक्ट होके क्या बन रहा है, रेड कलर बन रहा है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालते आना चाहिए, पी क्यू की वैल्यू निकालते आना चाहिए। अब पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरी, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर झगड़ा करेंगे यार, बहुत समय अपने पास झगड़ा करने के लिए। ये देख फॉर्मूला लिखते फिर देखते क्या बोल रहे सर, मेरे को पी क्यू का आंसर मिल जाएगा विद द फॉर्मूला एल एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम y2 माइनस वाई वन प्लस एन और यहाँ पे आ जाएगा z2 टू माइनस जेड। चलो झगड़ा शुरू करते हैं। सर लिख क्या रहे हो, पहले तो एक बात बताओ, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 में तो आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, कौन है भाई एलिमेंट, याद आया कौन होते हैं, डीसीज होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिया हुआ है और वो किसके डीसीज है, ये जो लाइन दी है ना इसके वो डीसीज रहेंगे एल एम एन, हमेशा याद रखो। जिस लाइन पे प्रोजेक्ट हो रहा है उस लाइन के डीसीज आपको अगर दिए होंगे तो आप ऑफिशियली ये जो प्रोजेक्शन निकाल सकते हो ग्रीन कलर वाले लाइन का जो कि रेड कलर दिखाई दे रहा है वो आप ऑफिशियली फाइंड कर सकते हो। पूछोगे सर लगेगा क्या भाई, जितनी सारी चीजें सिखा रहा हूं सारी बेसिक चीजें जोरदार लगने वाली, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्या आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई है किस तरीके से किया हुआ है। अब यहाँ पे नंबर्स होंगे भाई, ये भी नंबर्स में होगा, वो किसी तरीके से कोई एक वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड में, आपको क्लियरली पी क्यू का इक्वेशन मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। अब सर पी क्यू मिल जाएगा उसमें भी हम लोगों को दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट की कॉन्सेप्ट हमें पता चली। अब आगे क्या सिखाओगे, आगे मैं सिखाऊंगा बहुत सही वाली चीज जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो प्लेन है ना, हमेशा याद रखना ये प्लेन आपका थ्री डायमेंशनल प्लेन है, तो आपको अगर इस तरीके से कुछ प्लेन दिखाई दे रहा है तो इस प्लेन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल फॉर्म जो इस प्लेन का दिखाई देता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। अब बताओ मुझे अगर ये फॉर्मेट है तो क्या इस फॉर्मेट के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, मैं फिर भी यहां पर आपको लिख के बताता हूं कि वेर A, B, C ये कौन है, DRs of the normal, normal मतलब perpendicular to the plane, यानी कि ये line के DRs होते हैं, ये plane के DR नहीं होते। अब second चीज सर फिर A, B, C पता चला, D क्या होता है भाई, intersection होता है, मतलब ये बताता हूँ आपको, ये देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर बोला तो ओरिजिन से अगर आपका प्लेन पास हो रहा है तो आपको बस एक बंदे को कल्टी देनी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां पे किसी भी डी बंदे को बिल्कुल नहीं लिखना चाहता हूं, क्या आपको ये समझ में आया। तो बहुत सिंपल सा है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत स्मार्ट है, अगर आपका प्लेन इफ प्लेन इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस इन लेट्स से ए बी सी बोल सकते हैं हम लोग, इसको ए बी सी लिख ही सकते हैं। सो ए बी सी देन इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत स्मार्ट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो क्या दिखती है, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी प्लस जेड डिवाइडेड बाय कितना होगा सी और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिखाई देगा वन दिखाई देगा। बहुत शानदार सा फॉर्मूला है, बहुत ढंग से इसको याद रखना, अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को ऑटोमेटिकली आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन में बस अभी फिलहाल तो इतनी चीजें लग रही है, और कुछ लगेगा आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताने की कोशिश करता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ इज व्हाट,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बहुत जगह पे बहुत तरीके से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को लगती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं कोई भी यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करूँ जिसको जिसके बारे में आपको भी पता है कि उसका इक्वेशन फॉर एग्जांपल होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कितना होगा अभी डी इज इक्वल टू कितना होता है जीरो। अब अगर मैं बोलूं कि इस प्लेन को हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेट से एक्स वन वाई वन और जेड वन राइट यहां से ड्रॉ करा है और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया हुआ है, तो मुझे बताइए आप इसके आंसर्स किस तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोगों को ये एल इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नथिंग बट क्या होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ भी हो सकता है आपका, बस वहां से आपको क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्लेन को, तो आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कुछ आंसर मिलना शुरू हो जाता है। और मेरे भाई बहुत सही है यार, बहुत सही है, प्लीज देख ले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। आप इसको डायरेक्टली एल के हिसाब से चाहिए तो लिख दो, मैं तो भाई फॉर्मूला देख के बहुत सुपर खुश हो चुका था। ए एक्स वन प्लस बी y1 प्लस सी जेड वन प्लस यहाँ पे लिखा d और यहाँ पे अंडर रूट में मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना लिखा मेरे भाई सी स्क्वायर, ये आया मेरा फॉर्मूला। अब आप चाहिए तो मेरे को डाउट पूछ सकते हो सर कौन है कहाँ से आया कैसे आया, तो देख लो x1 y1 z1 कौन है, ये आपका पॉइंट है जहाँ से आप क्या कर रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। तो आपको x1 y1 z1 के बारे में क्लियरली नंबर होगा 221 होगा, तो यहाँ पे चुपचाप वैल्यू डाल दो करेक्ट है। अब ए बी सी कौन है, बहुत डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, पता है ये डी आर है आपके नॉर्मल के डी आर होते, तो इधर से ए बी सी इक्वेशन में जो भी होंगे वो उठाओ। अंडर रूट क्या करना है, वापस वही करना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक डाउट और हो सकता है, मॉड क्यों दिया है सर मेरे को बताओ क्या फाइंड कर रहे हो, लेंथ क्या लेंथ कभी नेगेटिव होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, तो लेंथ नेगेटिव ही नहीं हो सकती है। तो अगर यहाँ पे गलती से माइनस नाइन भी आंसर आए तो मैं आपको बता दूं योर लेंथ इज नथिंग बट हमेशा मॉड में ली जाती है, दैट इज नथिंग बट कितनी ही होती है हमेशा नाइन कंसिडर की जाएगी। सो पॉजिटिव लेंथ होने की वजह से मॉड दिया जाता है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई थिंक सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखना चाहते हैं वो। आई होप सो जितनी सारी सॉलिड ज्योमेट्री को कॉन्सेप्ट लग रही है मैंने आपको बताया। दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखो क्योंकि इस पूरे यूनिट के लिए सारी बेसिक जो है वो यहीं से शुरू होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।